हाँ, 8-bit की फाइट टीम कार्निवल गेमिंग के साथ। मुझे लगा था कि फाइट को अवॉइड किया गया है, पर जी नहीं, कार्निवल गेमिंग पीछे हटते नहीं, बट इसी बीच गॉब्लिन को भी नॉकआउट कर दिया जाएगा। ये फाइट अभी के लिए टीम 8-bit के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। देखते ही देखते टीम कार्निवल गेमिंग के कुछ खिलाड़ी जो है 2 से 3 खिलाड़ी धाराशाही होते नजर आए जरूर चुके हैं। कप्तान क्या बचा पाएंगे अपने टीम को, वो देखना अभी के लिए बचा हुआ है। और ओमेगा, मेरे ख्याल से ये लोकेशन बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है उस धमाके के साथ, कहीं कंफर्मेशन ना आ जाए। अभी के लिए मौका है 8-bit, अगर ये फाइट जीतती है तो अपने 3 खिलाड़ी बचा के निकल सकती है। लेकिन ओमेगा अभी भी आखिरी सांस तक कोशिश करेंगे, जी हाँ, अपनी टीम को भी बचाते नजर आएंगे। ये 2 महत्वपूर्ण फ्रैग्स, टीम 8-bit ऑलरेडी तीसरे चार्ट पे चल रही है। आरडी की पोजीशन का पता चल चुका है। नाउ द कॉल हैज बीन गिवन, द नॉलेज हैज बीन प्रोवाइडेड। लेट्स सी क्या यहाँ पे रेकनिंग इस नॉलेज का अच्छा खासा इस्तेमाल कर पाएगी या नहीं। टर्बो को पता है और ये ग्रेनेड छोड़ के पीछे घूमे थे और अभी के लिए डाउन कर दिया गया है। नाउ वी हैव वन लास्ट मैन फ्रॉम द साइड ऑफ टीम एनिग्मा। सौम्य, क्या बचा पाएंगे अपनी टीम को, क्या बच पाएंगे यहाँ पे? जी हाँ, बचेंगे और अभी के लिए तो बचा रहे अपने आपको। इमोर्टल को डाउन किया, राइट अवे कंफर्मेशन आ चुका है, बट अभी भी इट्स गोना बी अ 1v2 सिचुएशन। लेट्स सी, सौम्य के ऊपर प्रेशर है लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टेंट ग्रेनेड्स का प्रहार किया जा रहा है। एडी को बचाना है, अगर सौम्य यहाँ से क्लच करते हैं तो ही आरडी को बचा पाएंगे। क्योया एंड टर्बो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट खिलाड़ी, 1v2 की स्थिति है और अभी टर्बो एंड क्योया दोनों को पता है बहुत मुश्किल है, बट ये शॉट कनेक्ट हुआ टर्बो पे। ओह माय गुडनेस, सौम्य ने 1v2 क्लच कर दिया है। टर्बो, व्हाट अ ब्लंडर दैट वाज। एनिग्मा सौम्य ओपी इन द चैट, 3 फ्रिकिंग फ्रैग्स, दैट इज इंडीड अ 1 2 3। रंगटान ही नजर आती हुई, आज बेबी है इस तरफ सोमराज, देखते हैं क्या आज बेबी और सोमराज ये बीच की फाइट एंटिटी को बेनिफिट देती है या फिर रामचान को। लेकिन ये देखिए, कैलकुलेटेड मॉली सही जगह पे गई। सोमराज यहाँ पे हल्का सा एचपी लॉस तो जरूर होगा लेकिन ओरांगुटान के बचे हुए खिलाड़ी आ चुके हैं यहाँ पे, बचे अब एंटिटी के गमला बॉय आज बेबी को करेंगे ग्रेनेड से डाउन। सही जगह पे जरूरत थी, लेकिन एके ओपी का ग्रेनेड भी सोमराज को डाउन करेगा। गमला बॉय स्टिल देयर, लो एचपी पे किया गया जरूर है एके ओपी को, लेकिन अभी भी गमला बॉय जूझ रहे एके ओपी को शॉट देने की कोशिश। और अब कैवलरी हैज अराइव्ड, लेकिन आते साथ ही इन्होंने डाउन किया जरूर, बट तुरंत पलटवार हुआ। अब एंटिटी के ट्रॉय भी आ चुके हैं बहुत मुश्किल में, टीम ओरांगुटान फाइट ले तो रहे थे लेकिन अब ट्रॉय के हाथ में है S12K और एके ओपी लो एचपी पे है, हील करने का समय नहीं है, अब शॉट कनेक्ट करना पड़ेगा और करके दिखाया है टीम ओरांगुटान। क्या है आखिरी खिलाड़ी और ब्लू जोन का डैमेज भी ले रहे हैं आज बेबी भी कॉन्स्टेंटली ग्रेनेड का प्रहार करते हुए। टीम आई की स्कोर भी आती हुई और सामने से टीम WSB भी आ चुकी है। नकुल को डाउन किया गया, टॉप डॉग ऐसे ही बिना कैजुअलिटी के नहीं जाएंगे, वो लैटरल डैमेज भी हो रहा है यहाँ पे, टॉप डॉग एलिमिनेट हो गए। लेकिन टीम आई की स्कोर के पास जो मैन काउंट है क्या वो कम हुआ है, दैट इज स्टिल गोना बी अ बिग क्वेश्चन। ऑटोबॉट्स यहाँ पे ग्रेनेड का लतरीको को डाउन कर दिया गया है। ओरांगुटान दे हैव द स्पॉट एंड नाउ एवरी सिंगल टीम इज कमिंग फॉर टीम ओरांगुटान। WSB येट टू गो अप, लेकिन अभी आईकू सोल के अगेंस्ट ये फाइट ग्रेनेड मान्या की तरफ डाला गया था, स्प्लैश डैमेज जरूर दिया है। अगर एक बार फिर से ग्रेनेड कनेक्ट हुआ, अगर इस बार आईकू सोल के किसी भी खिलाड़ी का नॉक आता है तो WSB यहां से पुश कर सकती है, यहां से स्ट्राइक डाल सकती है, क्योंकि इनके पास मैन काउंट है, इनके पास फ्रैग पावर है, इनके पास अभी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और वही कॉन्फिडेंस टीम आईकू सोल की तरफ भी देखने को मिल रहा है। थोड़े रिजेस में है ये, हल्की से जो उभार है पहाड़ के इस पे अभी रुके हुए हैं, बट सोच रहे हैं ऊपर की तरफ जाने का, कैसे जाएंगे ऊपर। देखिए इन दोनों टीम्स की फाइट तो हमें देखने को मिल रही है, बट दूसरी तरफ ओरांगुटान वर्सेस ऑटोबॉट्स भी जरूर से देखने को मिलेगी। देखना ये है कि वो दोनों टीम्स की किस तरीके से फाइट होगी, बट अभी भी एस पावर पावरफुल गेम प्ले के साथ अपने अपोनेंट टीम को एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है और ग्रेनेड्स के एंगल्स एक्यूरेट जाते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी तरफ NH2OP मान्या को डाउन करते हुए नजर आएंगे, एक प्लेयर को जरूर से डाउन कर दिया जाएगा। ग्रेनेड्स के एंगल इतने एक्यूरेट नहीं बन पा रहे हैं, अब देखना यह है कि सभी के सभी जो WSB के चारों प्लेयर्स है क्या वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर ऑटोबॉट्स वर्सेस ओरांगुटान जरूर से देखने को मिल रहा है, दोनों तरफ से फाइट्स देखने को मिलेगी, मल्टीपल टीम्स मल्टीपल फाइट्स हो रही है। अरमान को डाउन कर दिया जाएगा एस पावर के द्वारा, NH2OP बचते हुए नजर आएंगे, बट पीछे से ऊपर की तरफ से रेड एंड जंप मारेंगे एस पावर।